भारत और चाइना के टेंशन के बीच भारत ने इन दो हफ्ते में 5 खतरनाक मिसाइल्स का सफल परीक्षण किया। इनमें से एक मिसाइल बेहद ही घातक और खतरनाक यानी न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक स्पीड वाला मिसाइल का सफल परीक्षण किया। चलिए दोस्तों, हर एक खबर को विस्तार से जानते और समझते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से, दोस्तों हमें और इस वीडियो को अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो संबंधी कुछ भी सजेशन या फीडबैक है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। भारत ने पिछले दो हफ्तों में धारातर एक एक करके बहुत ही खतरनाक डेडलीस्ट मिसाइल टेस्ट किया। उनमें से एक बेहद ही घातक और खतरनाक मिसाइल है सूर्य। भारत का ये सूर्य मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड वाला न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। इसकी स्पीड तकरीबन 7.5 मैक यानी आवाज से भी 7 गुना ज़्यादा स्पीड से चलने वाली है हाइपरसोनिक मिसाइल। और इस हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल का रेंज तकरीबन 700 किलोमीटर से लेकर 1900 किलोमीटर तक है। अब हम बात करते हैं दूसरी घातक मिसाइल की, और ये दूसरी घातक मिसाइल है ब्रह्मोस एक्सटेंडेड वर्जन, जिसकी रेंज तकरीबन 400 किलोमीटर तक है और इसको ऑलरेडी चीन और लद्दाख की सीमा में तैनात कर दिया गया है। और ये ब्रह्मोस मिसाइल भारत के जल थल वायु चारों तरफ से दागा जा सकता है, यानी भारतीय नेवी, भारतीय एयरफोर्स और भारतीय आर्मी तीनों के पास ये ब्रह्मोस घातक मिसाइल मौजूद है। अब हम बात करेंगे तीसरी मिसाइल की, जिसका नाम है पृथ्वी 2 मिसाइल। ये मिसाइल भी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है और इस मिसाइल का टेस्ट लास्ट वीक रात के समय किया गया था। इसका परीक्षण सफल रहा, यानी ये मिसाइल रात के अंदर भी अपना सटीक निशाना लगा सकता है। अब हम बात करेंगे चौथी मिसाइल की। भारत की वक्तव्य युद्ध क्षमता को बढ़ाने के लिए यानी टैंक मिसाइल्स बनाने के लिए भारत के DRDO यानी रक्षा संगठन ने अर्जुन मैन बैटल टैंक से भारत में स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइड एंटी टैंक मिसाइल यानी ATGM का सफलपूर्वक परीक्षण किया गया है। अब हम बात करेंगे पांचवी और आखिरी मिसाइल की, जो 5 अक्टूबर को भारत ने सुपरसोनिक मिसाइल रिलीज ऑफ टॉर्पिडो यानी स्मार्ट का परीक्षण किया। ये एक प्रणाली है जो दुश्मन की पनडुब्बियों को हिट करने में काम आती है। इस मिसाइल की रेंज तकरीबन 750 किलोमीटर तक है और इस मिसाइल को K-15 सबमरीन से लॉन्च की गई है। ये मिसाइल बेहद ही घातक और सुपरसोनिक मिसाइल है। इसकी लंबाई तकरीबन 10 मीटर होती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर एक बार मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। दोस्तों, देश हित की सारी जानकारी DRDO, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, चाइना, पाकिस्तान, सभी देश हित की न्यूज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका ढेर सारा प्यार दीजिए और वीडियो संबंधित कुछ भी सजेशन या फीडबैक है तो हमें कॉमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। हम आपको जरूर फॉलो करेंगे।